हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई को, जो कि लगाया गया था आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एएसआरबी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। तो एएसआरबी ने जवाब दे दिया है, जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे उनका आंसर्स उन्होंने एक लेटर के थ्रू दिया है मीडियम से। तो वही हम सब देखने वाले हैं कि इसमें कितने जो है एप्लीकेंट हैं और कितन कब ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट था, ठीक। तो जो मेन हमारा काम का है वो हम देखते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, व्हेन विल एग्ज़ाम कंडक्टेड, एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट होगा। तो जो जवाब आया था वो था, द एप्लीकेंट मे रेफर अ नोटिस डेटेड 31 जुलाई 2018 इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच इज़ अवेलेबल ऑन एएसआरबी वेबसाइट, डेट इज़ www.asrb.org.in। तो हमें सबको पता होगा कि जुलाई में एक नोटिस जो था वो एसआरबी ने अपलोड किया था, और उन्होंने उसमें बताया था कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। अभी फ़िलहाल उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है नहीं, तो वही रिप्लाई इन्होंने आरटीआई में दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन था, हाउ मैनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर दिस एग्ज़ाम, कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। तो बताया गया था, तो रिप्लाई जो आया वो है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क इज़ 379,097, यानी कि 379,097 विद्यार्थी ने इसको फॉर्म को जो है फिल किया है। और थर्ड क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, हाउ मच, ठीक है यहाँ टाइम है, ये टाइम मिस कर गए, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू वाइंड अप अ होल प्रोसीजर, ठीक है, मतलब कितना समय लेंगे आप पूरा इसको जो प्रक्रिया है पूरा करने में। तो जो रिप्लाई दिया है वो है, एप्लीकेंट इज आस्किंग क्लैरिफिकेशन फॉर फ्यूचर एक्शन रेदर देन इंफॉर्मेशन, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड एज इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मतलब कि ये वो कह रहे हैं कि हम भविष्य की बातें नहीं बता सकते, और वो हमारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो उसके अंदर नहीं आता है। आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट आने वाले समय में क्या होगा ये वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने कोई भी नहीं दी है, एग्ज़ाम कब होगा वो भी नहीं बताया, और कितना समय लेंगे ये परीक्षा को पूरा कराने में और ज्वाइनिंग देने में वो भी नहीं बताया, ठीक है। दोनों बातों को उन्होंने गोलमोल घुमा दिया, एक बस काम की बात ये बता दी कि इसमें जो है एप्लीकेंट कितने हैं, वो हैं 379,097, ठीक। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।